सो है गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक और फ्री एंड्रॉयड एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा जहाँ से आप बिल्कुल फ्री में एंड्रॉयड RDP ले सकते हो। तो मैंने कल भी एक वीडियो बनाया था जहाँ पर मैंने आपको एक एप्लीकेशन के बारे में बताया था जहाँ से आप बिल्कुल फ्री में एंड्रॉयड RDP क्रिएट कर सकते थे, लेकिन उसमें एक दिक्कत ये थी कि उस एप्लीकेशन में आपको सिर्फ 2 घंटे के लिए फ्री RDP मिलता था। लेकिन आज मैं जिस एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा यहाँ पर आपको 2 घंटे नहीं, पूरा 12 घंटे के लिए आपको फ्री में RDP मिलेगा और इस RDP को आप नॉनस्टॉप यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये जो वीडियो है कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। ये जो एप्लीकेशन है मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा, इसका जो परफॉर्मेंस है, इसका जो भी फीचर्स वगैरह है वो बहुत ही अच्छा है, इसलिए मैं आपके साथ ये एप्लीकेशन जो है शेयर कर रहा हूँ। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा एप्लीकेशन है, कैसे आपको यूज़ करना है। और हाँ, ये एप्लीकेशन जो है प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है, अगर आप चाहते हो तो प्ले स्टोर से भी इसको डाउनलोड कर सकते हो और इसका जो डाउनलोड लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके आप चेक कर सकते हो। तो चलिए एप्लीकेशन को देख लेते हैं कैसे आपको यूज़ करना है। तो यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो मैंने एप्लीकेशन के ऊपर ओपन करके रखा है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या करना है, एक अकाउंट क्रिएट कर लेना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करना है। करने के बाद आपको गूगल से यहाँ पर अकाउंट क्रिएट कर लेना है। तो सिंपल से क्लिक करना है इस पर। करने के बाद जितने भी आपके पास गूगल अकाउंट है वो सब यहाँ पर आ जाएगा, किसी भी एक को सिलेक्ट करके आप यहाँ पर बहुत ही आसानी से अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पर थोड़ा वेट करना है, आपको लोडिंग होगा। उसके बाद किसी भी एक ईमेल अकाउंट को सिलेक्ट करके आप यहाँ पर अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर कोई भी एक सिलेक्ट कर लेता हूँ। करने के बाद आपको थोड़ा वेट और करना है। तो यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो मेरा जो अकाउंट यहाँ पर क्रिएट हो चुका है और ऊपर देख सकते हो लिखा हुआ आ रहा है फ्री ट्रायल, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। करने के बाद जितने भी फ्री ट्रायल यहाँ पर डिवाइस है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या सिलेक्ट करना है, लॉस एंजलिस सिलेक्ट करना है। करने के बाद थोड़ा यहाँ पर वेट करना है आपको। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। कर देने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो 12 घंटे के लिए आपको ये RDP जो है बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। उसके बाद क्या करना है, आपको कन्फर्म पर क्लिक करना है। करने के बाद उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको सेंड कोड पे क्लिक करना है। आपके ईमेल अकाउंट पे एक कोड जाएगा, वो जो है वो कोड जो है यहाँ पर आपको डाल देना है। तो मैं यहाँ पर सेंड कोड पे क्लिक करता हूँ। तो कोड यहाँ पर डालने के बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। करने के बाद आपका जो RDP है यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। तो फिर से यहाँ पर आपको कन्फर्म पर क्लिक करना है। करने के बाद देख सकते हो यहाँ पर जो है आपका RDP यहाँ पर क्रिएट होना स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पर देख सकते हो मेरा जो RDP है यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा वेट करना है जब तक ये क्रिएट नहीं हो जाता है। तो यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो RDP जो है क्रिएट हो चुका है। अब इसको क्या करना है, ओपन करना है। यहाँ पर आपको ओके करना है। करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो मेरा जो RDP है यहाँ पर ओपन हो चुका है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको इंटरनेट कनेक्शन दिखा देता हूँ। तो इसका फुल स्क्रीन भी कर सकते हो अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो। तो यहाँ पर देख सकते हो गो पे क्लिक करना है। तो इसका जो इंटरनेट कनेक्शन है उतना तो अच्छा नहीं है, यहाँ पर सिर्फ 15 MBPS आपको यहाँ पर अपलोड या डाउनलोड स्पीड मिल जाता है। तो अगर आप कोई भी मूवी या कोई भी वीडियो डाउनलोड या अपलोड करना चाहते हो या गेम्स खेलना चाहते हो तो वो आप यहाँ पर कर सकते हो, उसके लिए ठीक ठाक यहाँ पर आपको इंटरनेट प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ऐसे करके जो है आप एक बिल्कुल फ्री में RDP ले सकते हो और ये जो RDP है ये 12 घंटे तक चलेगा और कोई भी यहाँ पर आपको इशू देखने पर नहीं मिलेगा, कोई भी सस्पेंड या कोई भी कुछ नहीं होगा। यहाँ पर जितने चाहे आप उतने टाइम यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो अलग अलग ईमेल एड्रेस को यूज़ करके।